तो कैसे आप लोग लोग तब तो सो हे गाइस दिस इज योर होस्ट एंड यू मैन वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। गाइस पिछले दो तीन दिनों से मतलब बंदे मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम पे डीएम करके मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पूछ रहे मतलब ऐसा बता रहे कि एंग्री भाई अगर आप लेफ्ट फायर बटन को जो है ना यूज़ करते हो हमारे जो नॉर्मल फायर बटन होता है उसकी जगह पे तो उससे जो है ना बहुत ही मतलब तगड़े वाले हेडशॉट लग रहे हैं और मतलब एकदम अच्छा गेम प्ले हो रहा है तो आप इसको एक बार ट्राई करो और उसके ऊपर वीडियो बनाओ ऐसा मुझे बंदों ने बहुत बोला है। तो मैंने भी सोचा कि भाई चलो भाई बंदे इतना बोल रहे हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि हम सच में क्या लेफ्ट फायर बटन को यूज़ करके बहुत अच्छे वाले हेडशॉट लगते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस मैं पूरा कंपैरिजन करूंगा कि यार लेफ्ट फायर बटन और कंपेयर टू हमारा जो नॉर्मल होता है फायर बटन का उससे अच्छे हेडशॉट लगते हैं या फिर लेफ्ट फायर बटन से अच्छे हेडशॉट लगते हैं, जो कि आपको पता ही है कि एक मतलब अच्छा प्लेयर है स्मूथ 444 14 साल का बच्चा है वो भी इस ट्रिक को यूज़ करता है और उसका गेम प्ले तो आपको पता ही है एकदम जहर होता है, ऐसा लगता है कोई हैकर ही खेल रहा है। वैसे ही बहुत सारे बंदे मतलब इसको यूज़ करके भाई अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं ऐसा मुझे बंदों ने बोला है इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं आज की वीडियो में पूरा ट्राई करने वाला हूँ इसको लेफ्ट फायर बटन का जो सेटिंग होगा वो भी देखते हैं कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। और भाई इसका एक प्लस पॉइंट आज की वीडियो का ये भी है कि मैं अपनी जो खुद की सेटिंग है ना जो मैंने बहुत टाइम से मतलब रिवील नहीं की है कि किस सेटिंग पे मैं खेल रहा हूँ वो भी रिवील करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस सेटिंग पे खेलता हूँ तो एंड तक वीडियो देखो, उसमें मैं सारी अपनी माउस डीपीआई एक्स एंड वाई जो है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना फिर आप भी मतलब समझ जाओगे कि मैं कैसे खेल रहा हूँ और लेफ्ट फायर का जो फंडा है भाई वो भी समझ जाओगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दिख रहा है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी ना भाई आप सबसे पहले उसको देख पाओगे। तो मिस मत करना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर से मुझे फॉलो और ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड भी। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये लेफ्ट वाली जो ट्रिक है हमारी उसको करने के लिए लेफ्ट फायर की ट्रिक करने के लिए आपको एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ से कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा भाई क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो स्किप कर दोगे तो भाई वो कहाँ कैसे क्या करना है सेटिंग बिगड़ जाएगी फिर हेडशॉट नहीं लगेगा फिर कॉमेंट में आप मत बोलना कि एंग्री भाई नहीं हो रहा है क्या कर रहे हो तुम। तो भाई एंड तक देखना है वीडियो और मेरी सेटिंग देखने के लिए ऐसा नहीं कि स्किप करो, ठीक है ऐसा मत करना, एंड तक देखो। अभी सबसे पहले वो ऑप्शन दिखा देता हूँ लेफ्ट फायर बटन जो है ना आपको इनेबल करना था मतलब करना था लेफ्ट फायर बटन का, यहाँ पे लेफ्ट फायर होगा यहाँ पे आपको ऑलवेज करना है उसको, ठीक है सबसे पहले ये कर लेना है। और भी यहाँ पे देखो हमारा जो नॉर्मल होता है वैसे होता है हमारी सेटिंग, यानी कि ये लेफ्ट फायर बटन है ठीक है, इसको मैं ऐसे छोटा रहता है या फिर बड़ा रहता है और यहाँ मेरा जो नॉर्मल बटन है जिससे हम फायर करते हैं ठीक है। अरे यार कितने बंदे भेजते हैं भाई, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ रिप्लेस करता हूँ हमारा जो फायर का बटन होगा उससे, ठीक है यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इधर ड्रैग करता हूँ। भाई ये लोग फ्री में प्रमोशन ले रहे, तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, साइज बड़ा कर लेता हूँ पहले लेफ्ट फायर बटन का। और इसको जो है हमारा जो नॉर्मल फायर का बटन जो होता है ना, फ्री का बोल रहा हूँ, देखो दिमाग खराब करके रख दिया भाई ये क्या है यार। ठीक है अभी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये राइट का बटन मैंने हटा दिया जो हमारा नॉर्मल होता है, अभी ये लेफ्ट फायर का जो बटन है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। और इसको आप कहीं भी रख सकते हो जो पहले का हमारा फायर बटन था, ठीक है सेव कर लो सीधा डायरेक्टली, एक बार की मैपिंग देख के आप मतलब जहाँ पे आपका फायर है वहाँ पे सेट कर सकते हो देख के। तो गाइस ये सारी सेटिंग करने के बाद मैं डायरेक्टली जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ वहीं पे हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी मुझे सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था ना गाइस ये ट्रिक करने के लिए, आपको पता ये लेफ्ट फायर जो बटन होता है भाई वो ड्रैग ही नहीं होता है ठीक है, तो मुझे लगा था कि मतलब कैसे ड्रैग होगा भाई, जो बटन ड्रैग ही नहीं होता तो मतलब उससे हेडशॉट कैसे लेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मैं भी चौंक गया था कि यार जो नॉर्मल फ्री हमारा जो फायर का बटन होता है ना उसी की तरह ड्रैग हो रहा है और मतलब देख सकते हो भाई कैसे हेडशॉट लग रहे हैं। अभी इसमें मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मतलब मेरा बहुत ही ज्यादा एकदम से ऐसे हेडशॉट ही लग रहे, पहले ले लग रहे थे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मुझे इंप्रेस हुआ मतलब मुझे चौंक गया था मैं, डेजर्ट के जो क्लोज रेंज में जो है ना हेडशॉट लग रहे थे ना भाई वो बहुत ही ज्यादा लग रहे थे। मेरा क्लोज रेंज जैसे मैंने आपको बोला था भाई मेरा मतलब उतना वीक है थोड़ा क्लोज रेंज का, भाई मैं क्लोज रेंज में मतलब मार नहीं सकता हूँ ज्यादा, तो भाई देख सकते हो क्लोज रेंज में मुझे डेजर्ट ईगल से मतलब बहुत अच्छा हेडशॉट लग रहा है लेफ्ट फायर बटन यूज करने के बाद। अभी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि मैं नॉर्मल जैसे खेलता हूँ उस पर कैसे हेडशॉट लगते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए, जैसे भाई बहुत कोई भी नई चीज़ होती है तो हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगा कि मतलब क्या थोड़ी बहुत सेटिंग जो होती है ना आप उसको कम ज़्यादा करके देख सकते हो। अभी मेरी एक्सेंट भाई क्या है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ ठीक है। अभी ये तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो हमारा लेफ्ट फायर बटन है ये नॉर्मल जो फायर का बटन होता है उसकी तरह ही मतलब वर्क करता है, मतलब ड्रैग भी होता है, सेंसिटिविटी कुछ बिगड़ती नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, जैसे मेरा नॉर्मल हमारा सब लोग जो हम लोग खेलते हैं
जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल ये जो पहले का बटन था इसको लेफ्ट पर यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, अभी इसको पहले की जैसा ही जैसे डिफॉल्ट होता है ना वैसे वहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया लेफ्ट पर बटन को उसकी पहले की जगह पे। अभी देखते हैं, हम लोग सेव कर लिया मैंने फिर से, अभी इसको लेफ्ट पर बटन को वैसा पहले जो सेटिंग थी वो कर दी। अभी देखते हैं कैसे मेरा हेडशॉट लगता है, क्या लगता है, क्या मतलब कितना कमाल, मतलब क्या सिर्फ लेफ्ट पर बटन को चेंज करने से क्या हेडशॉट लगते हैं, जैसे स्मूथ ट्रिपल फोर का लगता है वो कितना बढ़िया खेलता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, मेरा मतलब अच्छे से लगता है ये विदाउट, मुझे लगा था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन डेजर्ट टिकट का मेरा अच्छा लग रहा था जब मैं लेफ्ट फायर बटन को यूज़ कर रहा था। ठीक है, अभी देखते हैं, मेरा मिस हो गया दो तीन बार। अभी यहाँ से देखो, मतलब अच्छे से हेडशॉट लगेगा मेरा, एकदम ओपी वाला लगता है, मतलब मिस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली लग जा रहा है, डेजर्ट का भी लगता है और जो यूएमपी का तो पूछो ही मत, एकदम हैकर के जैसे ही लगते हैं हेडशॉट मेरे। अभी कुछ की खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, जो है वो आपके सामने ही है। ठीक है, अभी मैं ये सेटिंग बताता हूँ, अभी कोई मत बोलना कि भाई सेटिंग तो दिखाओ यार क्या मतलब, आगे मैं अपनी सेटिंग दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा दिल थाम के बैठना आप लोग। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से लग रहा है, जो नॉर्मल जो फायर का बटन होता है उससे अच्छे से लग रहा है, लेकिन मैं बस आपको बोला था ना भाई, आप एक बार ट्राई करके देखना, कोई भी नई चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, पीसी प्लेयर का भाई ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से लगता है मेरा, यूएमपी का भी बढ़िया लगता है, डेजर्ट का लेकिन मुझे लेफ्ट फायर बटन से थोड़ा अच्छा लगा था क्लोज रेंज में, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट स्ट्रेट ड्रैग होता है तो उससे मुझे थोड़ा फर्क दिखा था। अभी यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ, एक्स एंड वाई और ट्विस्ट की जो सेटिंग है वो सारी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्स देख सकते हो 1 है और जो वाई है 1.6, यानी कितना कम मतलब मैंने सेंसिटिव करके रखा है। और ट्विक्स जो देख सकते हो डिफॉल्ट है 16,450, ये सेटिंग में मैं थोड़ा चेंजेस किया हूँ, आपको पता होगा अगर पिछली वीडियो मतलब कोई देखते होगे तो आप लोग। ठीक है, अभी मैं अपनी जो है ना जो मेरा माउस का DPI जो मतलब नया माउस लिया है मैंने, बताना भूल गया, G402 लिया है, अगर इसके ऊपर रिव्यू का वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में बता देना, मैं वहाँ पर मतलब अगर देखता हूँ वीडियो रिव्यू का। यहाँ पे देख सकते हो माउस की जो DPI वो मतलब 1600 ही समझ लो आप, 1600 पे मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल, और जो इम्यूलेटर का DPI वो है 240। ठीक है, और बाकी जो माउस की सेटिंग होती है वो मतलब विंडोज़ की जो होती है वो डिफॉल्ट ही रखा है मैंने, जो पॉइंटर का वो जो होता है स्पीड। ठीक है, अभी उसका कोई माइनर मतलब चेंजेस मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। देखो इससे मतलब कितना अच्छा लग रहा है, स्पेशली UMP का हेडशॉट, डेजर्ट का भी थोड़ा बहुत लगता है। तो आप भाई मेरा ओवरऑल मैं आपको बता दूं कंक्लूजन, तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस किए हो लेफ्ट फायर बटन पे तो आपका तो लग ही जाएगा। ठीक है, वो कोई भी सेटिंग अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो लगता ही है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखो यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है, फ्री वाली चीज़ है तो ट्राई करके ज़रूर से देखना और मुझे बताना कि यार क्या आपके अच्छे से लग रहे थे हेडशॉट। ठीक है, तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको कुछ भी मतलब पूछना है क्वेश्चन कुछ भी पूछना है भाई तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तरफ से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप सबसे पहले उसको देख पाओगे। तो आज की मजदूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।